नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टेक्निकल एग्ज़ाम में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी एआई के लिए जो 5 क्वेश्चन होंगे। ये पार्ट टू है और ऐसे बहुत सारे पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में मोस्टली एक एग्ज़ाम में पूछता है। तो आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है गाइस। तो ये यूपीएससी एआई का है, देख रहे हैं यूपीएससी एआई का पेपर जो होने वाला है कुछ दिनों में। तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे गाइस। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन आई टेक हेयर। सो फर्स्ट क्वेश्चन से ए सिंपली सपोर्टेड बी हैविंग, बोला कि सिंपली सपोर्टेड बीम है 200 mm विड्थ है और 450 mm इफेक्टिव डेप्थ है। सपोर्ट एंड टोटल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ द, मतलब कितना किलोमीटर दिया है। तो नॉमिनल शेयर स्ट्रेस भी, नॉमिनल शेयर पूछा है तो क्या है, देख लीजिए। ये ऐसे एक बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम, इस पर लोड लग रहा है। कितना लोड लग रहा है आपका, इतना लोड यहाँ पर कर दोगे 200 kN कर सकते हो गाइस। उसके बाद आप ये बीम है वे इंटू डी, ये डेप्थ, यहाँ से इफेक्टिव डेप्थ डी दिया है, सॉरी ये डी है ये बी है। तो इसको हम फाइंड क्या करेंगे, पहले हम देखिए क्या डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। तो हमारा शेयर फोर्स क्या हो जाएगा, वे इंटू या हाफ ऑन हाफ, क्योंकि शेयर फोर्स यहाँ से निकालोगे तो इक्वल होगा तो ये आ जाएगा। यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू का लोड का वैल्यू इतना पुट कर देंगे। और यहाँ से ये देखिए लोड इंटू डिस्टेंस शेयर, इसको बोल देंगे हम टोटल शेयर फोर्स 2000 × 2। इसको कट करेंगे, यहाँ पे हम इसकी लोड इंटू डिस्टेंस ये ही है ना, तो इसमें हम पुट कर देते हैं इतनी वैल्यू अपॉन 2, तो कर देंगे 10^5 आ जाएगा गाइस। तो इसके बाद हम अब नॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है वे टाउ वी यू बाई 2। तो यहाँ पे ये वी की वैल्यू हो गया, सॉरी अब डिस्ट्रीब्यूट, सॉरी ये रॉन्ग है, सॉरी मैं बता रहा हूँ अगली स्लाइड में गाइस। तो अगला स्लाइड में इसी पे बता, देखिए फिर क्या होगा, फार्मूला क्या होता है, टाउ इक्वल टू वी अपॉन एरिया, एरिया वी इंटू डी। यहाँ पे वी की वैल्यू रख देंगे कितना है, ओ अपन एरिया 200 × 450, को कट करोगे तो आंसर ये आ जाएगा बी आंसर गाइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सोल्यूशन भी है गाइस, सोल्यूशन आप देख सकते हो, यहाँ पे सोल्यूशन मैंने डाल दिया को प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, अब मोस्टली हर एग्जाम में पूछता है गाइस। सो देखिए ये ना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को मतलब लगेगा, देखिए बिट प्राइस क्या होता है, बिट प्राइस मैं डायरेक्टली एक क्वेश्चन के टाइप पे इसको ले लिया हूँ। तो ये सीपीएम पार्ट का क्वेश्चन है गाइस। तो बिट प्राइस क्या होता है, वेस कॉस्ट अपॉन मार्कअप अमाउंट। अब बेस कॉस्ट क्या होता है, एक डायरेक्ट कास्ट होता है, इनडायरेक्ट कास्ट। डायरेक्ट कास्ट क्या होता है, डायरेक्ट कास्ट आपको यहाँ दिख जाएगा, लेबर कास्ट एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट कास्ट और मटेरियल कास्ट एंड सब कॉन्ट्रैक्टर कास्ट। और मार्कअप कास्ट क्या होता है, प्रॉफिट कंटीजेंसी, कंटीजेंसी मतलब कोई चीज़, कोई एक्सीडेंटल वर्क आ गया तो उसके लिए यूज करने के लिए, जनरल ओवरहेड एंड अलाउंस रिस्क। इनडायरेक्ट कास्ट में आप देखोगे, इनडायरेक्ट कास्ट में यहाँ आपको मिल जाएगा गाइस, इनडायरेक्ट कास्ट में ट्रेनिंग, रिप्लेसमेंट एम्प्लॉई, एक्सीडेंटल इन्वेस्टिगेशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करेक्टिव मेजर, लॉस्ट ऑफ प्रोडक्टिव, रिपेयर ऑफ डैमेज इक्विपमेंट एंड प्रॉपर्टी कास्ट ऑफ, ये चीज इनडायरेक्ट कास्ट है गाइस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप डायरेक्टली इसको बेस को फार्मूला याद कर सकते हो, ठीक है गाइज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये भी। देखो इन विच द फॉलोइंग इंडस्ट्री द वाटर रिक्वायरमेंट इन किलो लीटर पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इन वेरी हाई, किलो न्यूटन पर यूनिट प्रोडक्शन वेरी हाई। तो इसका आंसर हो जाएगा पेपर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री में गाइस देखिए यहाँ पेपर इंडस्ट्री में होता है। यहाँ पे देखिए यूनिट प्रोडक्शन एंड वाटर किलो, ये पेपर में देखिए पेपर, सॉरी कलर चेंज करना पड़ेगा, पेपर इंडस्ट्री में, पेपर में टन में, स्टील में भी टन केन ऑफ क्रेसिंग, और ये यहाँ पे पूरी वैल्यू दी दी है। तो गाइस ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ESC में भी पूछ चुका है क्वेश्चन, SSC में, AE में भी पूछा है,
तो बहुत एग्जाम में पूछा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन गया आता है। मेरे चैनल पे बन हो गए तो यार ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे मिलेंगे, आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा गाइस। ठीक है, विच इन द फॉलोइंग इज नॉट द मेन कॉज ऑफ फॉर सॉइल सैलिनिटी एंड सॉलिडिसिटी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो यूज ऑफ हैवी मशीनरी रिजल्टिंग इन सॉइल कंपैक्शन, तो मेन कॉज ऑफ सॉइल सैलिनिटी एंड सॉलिडिटी यहाँ पे दिया इरीगेशन मिसमैनेजमेंट, मैनेजमेंट के थ्रू ना हो, आप कैसे भी उसका इरीगेशन कर दो, आप पैटर्न ना फॉलो करो कि इसमें कौन सा इरीगेशन यूज करना है, जहाँ ड्रिप इरीगेशन है ड्रिप इरीगेशन है आप स्प्रिंकलर इरीगेशन यूज कर दे रहे हो तो ये तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ जाएंगे। लीचिंग विदाउट द एडिक्वेट ड्रेनेज, पुअर लैंड लेवलिंग, डिफॉरेस्टेशन एंड एक्युमुलेशन ऑफ एयर बॉर्न एंड बॉर्न साल्ट इन सॉइल, ये पांच चीज़ें का आपका जो बहुत ज़्यादा कॉज ऑफ सॉइल सैलिनिटी एंड सॉलिडिटी है। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो, विच इन द फॉलोइंग कॉज ऑफ फेलियर ऑफ बियर्स, बियर्स तो ये देखिए यहाँ से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2013 को उठा के देखेंगे ना, तो बियर्स आपका ये सब चीज़ें पूछा, शारदा डैम ये सब चीज़ें बहुत क्वेश्चन पूछा डैम से, और गर्वेटी डैम क्या है, मतलब इरिगेशन पोर्शन से ज़्यादा पूछा है, तो इरिगेशन की बात किया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। रप्चर ऑफ फ्लोट ड्यू टू द अपलिट, रप्चर ऑफ फ्लोट ड्यू टू द एक्शन कॉज ऑफ स्टैंडिंग वेव, जैसे कोई मेरे डैम है ठीक है, डैम बनाते हैं, देखिए डैम में क्या होता है, एक तो आपका वेविंग फोर्स लगता है जब वाटर में मूवमेंट आती है, एक तो नीचे से ग्रेविटी फोर्स नीचे से लगता है, एक तो आपका अर्थ क्यों आएगा उसके थ्रू आ जाएगा, और भी बहुत सारे फोर्सेज आते हैं ड्यू टू अपलिफ्ट प्रेशर, ड्यू टू डाउन स्ट्रीम स्ट्रीम, तीन चीज़ें बहुत सारे फोर्सेज आते हैं। तो यहाँ पे देखिए फेलियर ड्यू टू द, यहाँ से आंसर कर वी आर में भी फेलियर ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन, पाइपिंग, रप्चर फ्लो ड्यू टू अपलिफ्ट प्रेशर, अब रप्चर ऑफ फ्लो ड्यू टू द सेक्शन कॉज ऑफ स्टैंडिंग वेव स्कोर एंड द अपस्ट्रीम एंड डाउन साइड ऑफ द बियर डोर, इरोजन ऑफ अ प्रोन प्रोटेक्शन, यहाँ पे वो प्रोन ऐसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं इसका, ड्यूटोरेशन ऑफ कट ऑफ एंड सबक्यूंट लॉस ऑफ कंटेनमेंट, तो ये चीज़ें हैं इसको याद रखिएगा इसका रीजन है गाइस। सो गाइस